हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 वायरस की वजह से पूरे कंट्री में लॉकडाउन हो गया। जी हां दोस्तों, जिसकी वजह से आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जून 2020 में अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी अपने बुक्स की कमी की वजह से, अपने स्टडी मटेरियल की कमी की वजह से यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे। ऐसे केस में दोस्तों, इग्नू की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाया गया और आप सभी की बुक्स को यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया गया। दोस्तों, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुक्स को पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, इग्नू की तरफ से टाइम टाइम पे ऐसे नए नए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए दोस्तों, इन सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप सभी के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, क्योंकि दोस्तों, आपके एग्ज़ाम फॉर्म के लिए पहले 31 मार्च लास्ट डेट दी गई थी, जिसे दोस्तों अभी बढ़ा करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, अभी आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भी कोई भी लेट फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना ये एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अलग से एक वीडियो में पूरा तरीका बताया है, जिसे आप देख के अपने मोबाइल में भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर आपके सामने एक बड़ी चुनौती बन के आते हैं आपके असाइनमेंट्स, क्योंकि दोस्तों, आपके असाइनमेंट्स के लिए पहले 31 मार्च लास्ट डेट दी गई थी जमा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कुछ वीडियोस में कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक, क्योंकि दोस्तों, आपके एग्ज़ाम फॉर्म के नेक्स्ट पेज में आपको यहां पे पूछा गया है कि क्या आपने अपने असाइनमेंट्स अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अभी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए और इसके बाद में आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा पाएंगे। दोस्तों, जब आप यहां पे अपनी डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट वाले पेज में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं, पहले यहां पे लिखा हुआ था दोस्तों कि क्या आपने अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर दिए, लेकिन अभी इसे यहां पे चेंज कर दिया गया। यहां पे लिखा हुआ है कि आप अपने असाइनमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा करवा देंगे। इसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पर येस को सेलेक्ट करके और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पे जमा नहीं करवाएंगे। दोस्तों, आपको 30 अप्रैल से पहले अपने असाइनमेंट्स सबमिट करने होंगे। अगर दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट्स अभी तक नहीं बना पाए हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स की सॉल्यूशन PDF मुझसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी लॉकडाउन की वजह से जितनी भी बुक शॉप्स थी उन्हें बंद कर दिया गया, तो दोस्तों, ऐसे केस में आपके पास में ये बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है दोस्तों, कि आप अभी ऑनलाइन अपने असाइनमेंट्स परचेज कर लें और उन्हें बना लें, ताकि जैसे ही लॉकडाउन के बाद में आपके स्टडी सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, उस टाइम पर आप अपने असाइनमेंट्स अपने अपने स्टडी सेंटर्स पर जमा करवा सकें। साथ ही दोस्तों, आप यहां पे अपना असाइनमेंट सबमिशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसे भी देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट, जो कि पहले 31 मार्च थी, इसे अभी बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया। दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से जारी किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर इग्नू के ऑफिशियल पेज में न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स वाले कॉलम में देख सकते हैं, एडवाइस टू द स्टूडेंट्स ऑन स्टडी मटीरियल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू कोविड-19। सो दोस्तों, आप इस लिंक को क्लिक करके और ये एडवाइजरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बुक्स आपके होम एड्रेस पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए दोस्तों, आप इग्नू की जो ई कंटेंट एप्लीकेशन है या फिर ई ज्ञान कोर्स, उनकी सहायता से आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए इग्नू की तरफ से एक दूसरा लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर इग्नू स्टूडेंट्स। आप जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आप आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पेज में। यहाँ पे दोस्तों, आपके ऑनलाइन सर्विसेज में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दोस्तों, ये टोटल 16 पेजेस का PDF है। आपको यहाँ पर बेसिकली
जितने भी ऑनलाइन लर्निंग के तरीके हैं उनके बारे में बताया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ई ज्ञान कोर्स में अपनी बुक्स को ढूंढ के और वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों इग्नू के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं। दोस्तों जैसे हमारा एक चैनल है टिप्स गुरु, इसके अलावा इग्नू के ऑफिशियल भी कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आप अपने लेक्चर्स की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंटरैक्टिव वेब रेडियो काउंसलिंग, यहाँ पे भी आप अपने लेक्चर्स को सुन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पे ज्ञान दर्शन। आपने देखा होगा आपके टीवी चैनल्स में एक ज्ञान दर्शन चैनल आता है, वहाँ पे भी आपके लेक्चर्स एक एक करके वेबकास्ट किए जाते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इग्नू की एक ई कंटेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे कि आपकी सभी बुक्स का PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों इग्नू की तरफ से कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे इस पेज में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों अभी जब बात करते हैं आपके ई ज्ञान कोर्स के लिए और दोस्तों आपके ई कंटेंट एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों ई ज्ञान कोर्स के लिए आप इग्नू का ऑफिशियल पेज ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिजल्ट्स, डाउनलोड्स, ई ज्ञान कोर्स। सो दोस्तों आप यहाँ पे ई ज्ञान कोर्स को क्लिक करके और नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग कुछ 3 लिंक्स दिए हुए हैं, इनमें आप क्लिक करके और अपनी बुक्स को सर्च करके वहाँ पे अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके लिए ई कंटेंट एप्लीकेशन के लिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको इग्नू का ऑफिशियल पेज ignu.ac.in ओपन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है एक स्टूडेंट सपोर्ट, आप इसमें स्टूडेंट ग्रीवेंसेस को क्लिक करके और इसके पेज में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भी इग्नू की तरफ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है टाइम टाइम पे, इसके लिए आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट अलर्ट्स में चेक कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी इग्नू की इन्फॉर्मेशन है आपको वो यहाँ पे टाइम टाइम पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट अलर्ट्स में देख सकते हैं इग्नू ई कंटेंट ऑफिशियल ऐप ऑफ इग्नू स्टडी मटेरियल, आप यहाँ पे इसे क्लिक करके और अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में दोस्तों आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये है इग्नू की ई कंटेंट एप्लीकेशन, ये आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की तरफ से जितने भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो, बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम या दोस्तों PG डिप्लोमा, उस टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की बुक्स को यहाँ पे PDF फॉर्म में इस एप्लीकेशन में अपलोड किया गया है। सो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहाँ से अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।